और बहुत से भाइयों का कमेंट भी आ रहा था कि अजीत भाई कब आएंगे। तो अजीत भाई दोस्तों, तो डबरा की जगह हम भाई बढ़िया रास्ता बन गया, नहीं तो इतना ज़्यादा डबरा था ना दोस्तों की हालत ख़राब हो जाती थी इस रास्ते में। ये वाला जो पट्टा था ये देखो, फैन बेल्ट ये टूट चुका है भाई पूरी तरीके से, तो ये वाला फैन बेल्ट अपन को लगाना है। एक ट्रक ड्राइवर की दोस्तों ज़िंदगी देख लो भाई किस तरह की है। ये है भाई दोस्तों रोड पूरा है ना, और रोड के बगल में देख सकते हो भाई खाना बना रहे हैं हम लोग। जय श्री राम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे मस्त होंगे। तो हमारे नए ब्लॉग में स्वागत करता है आप लोगों का अजय भाई। तो दोस्तों इस समय भाई अपन पहुँच चुके हैं भाई डबरा वाले रास्ते में, जो कि भाई गाड़ी अपनी सामने में लगी हुई है जो कि देख सकते हो भाई, और इधर जाएंगे तो भाई चंद्रपुर, और ये वाला रास्ता अपना जाता है भाई डबरा वाले में। तो अभी यहाँ से दोस्तों निकलते हैं, और जितने बंदे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पर सेट करो, और दोस्तों वीडियो को भाई शेयर भी कर दिया करो यार, अपनी तो वीडियो है भाई फैमिली मेम्बर सबके पास शेयर उधर कर दिया करो दोस्तों। और बताना चाहूँ कि जैसे कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा था कि भाई अपनी गाड़ी जो लोड हुई थी रायपुर, मतलब जसपुर से रायपुर के लिए लोड हुई थी घर सामान, तो दोस्तों ये जो माल लोड हुआ है ये नो एंट्री का माल है, तो इसको भाई खाली करने के लिए भाई नाइट में ही पहुँचना पड़ेगा रायपुर तेलीबांधा के पास में गाड़ी खाली होगी। तो देखते हैं आज के सीन में क्या क्या होता है भाई, चलते पहले नाश्ता पानी करते हैं ठीक है, और जर्नी में क्या क्या होता है आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं। तो अभी दोस्तों देख सकते हो इधर भाई क्या ही ग्राउंड है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तो मैं यहीं से अपनी सुबह की स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चलते हैं दोस्तों अभी निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों ये वाला जो रास्ता है डबरा वाला, पहले बहुत ही ज़्यादा मतलब ये रोड ख़राब था, अभी तो ठीक ठाक बन ही गया है जो कि आप लोग देख सकते हो भाई। अरे भाई हैवी ड्राइवर, तो यहाँ से अपना रायपुर ज़्यादा दूर तो नहीं बचा होगा दोस्तों, 180 किलोमीटर के आसपास रायपुर होगा ही होगा आराम से। और बहुत से भाइयों का कमेंट भी आ रहा था कि अजीत भाई कब आएंगे, तो अजीत भाई दोस्तों इस चक्कर आएंगे हमारे साथ में है ना, तो रायपुर जाएंगे भाई गाड़ी उड़ी का काम करवाएंगे, तो आ जाएगा रायपुर, फिर उसके बाद में फिर दोनों भाई चलेंगे साथ में है ना। तो ऐसा कुछ सीन है, उसका ही पेपर ऊपर हो गया रिजल्ट, अभी पता नहीं कब आएगा नहीं कब। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है, बढ़िया धूप निकल रखा है, बादल देख सकते हो भाई। तो डबरा पहुंच चुके हैं दोस्तों, इस जगह का नाम डबरा है, लेकिन पहले बहुत ही ज़्यादा इस रोड में डबरा था, लेकिन अब भाई डबरा की जगह में कंक्रीट रोड बन चुका है जो कि आप लोग देख सकते हो। ओ भाई साहब बहुत ही बेहतर उतारा है यार छोरे। तो डबरा की जगह में भाई बढ़िया रास्ता बन गया, नहीं तो इतना ज़्यादा डबरा था ना दोस्तों की हालत ख़राब हो जाती थी इस रास्ते में। खैर बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों अभी रुके भाई नाश्ता पानी करने के लिए, और दोस्तों बात ऐसी हो गई भाई कि अपने फैन बेल्ट का जो है ना वो रबड़ भाई टूट गया है, पता है दिखाऊं आप लोगों को, ये देखो पूरा चिथड़ा चिथड़ा हो गया दोस्तों। खैर हम लोग अच्छी जगह पे रुके हुए हैं क्योंकि मिस्त्री यहीं पर ही है, और फैन बेल्ट अपने पास एक ठो पड़ा हुआ है पुराना वाला, तो उसी को ही फिट करके दोस्तों निकलेंगे रायपुर के लिए ठीक है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो भी चलते हैं ठीक है। तो ये आ चुका है दोस्तों गर्मा गर्म नाश्ता भाई अपना, जो कि ये बड़ा। तो ये आ चुका है दोस्तों गर्मा गर्म नाश्ता भाई अपना, जो कि ये बड़ा तुरंत भाई गर्म गर्म दिए भाई बना के। और कमेंट आया था कि भाई आप लोग मतलब आप समोसा वमोसा क्यों नहीं खाते भाई, समोसा खाता नहीं दोस्तों, समोसा खाने का मन ही नहीं करता है, कब खाया था याद नहीं है। दही चटनी दोस्तों, नाश्ता पानी करके तो भाई आ चुके हैं, लेकिन भाई जो अल्टरनेटर वाला है वो आया नहीं है, वायरिंग वाला जो कि इधर है उसकी दुकान, तो आया नहीं है भाई, यहीं पर अभी बैठे हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं भाई, कॉल भी कर रहे हैं भाई कॉल उठा नहीं रहा है बगला, क्या करे भाई मजबूरी है, देखते हैं भाई कॉल उठाएगा तो इंतज़ार करते हैं, जब तक यहीं पर ही बैठे हैं।
और आगे जा भी नहीं सकते ना दोस्तों, और टूट जाएगा, मतलब थोड़ा सा पकड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में भाई टूट सकता है। इसके वजह भाई इधर से हलाना नहीं है गाड़ी को, है ना। खैर पेड़ के छाए में बढ़िया लगा हुआ है, देखते हैं, इंतजार करते हैं दोस्तों। ये वाला रबड़ पुड़े थे, काटे लगी लगा थे ला। तो दोस्तों केबिन को जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई गिरा दिए हैं, और बाकी भाई ये वाला जो पट्टा था ये देखो फैन बेल्ट, ये टूट चुका है भाई पूरी तरीके से। तो ये वाला फैन बेल्ट अपन को लगाना है, क्या करे भाई पूरा देखो यहाँ पे फंस गया है भाई, ये देखो इस तरफ से ज़्यादा दिख रहा है देखो। तो फिट उट करते हैं फिर उसके बाद में निकलते हैं दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों अभी भाई अपन नीचे में घुस गए भाई, क्या ही बोले। तो यहाँ पर जो एक ये है ना, इसको पकड़ के रखना पड़ रहा है फैन बेल्ट को, ये देखो। और यहाँ से देखो अपना ये क्रॉस मेंबर टूटा हुआ है पूरा, जो कि आप लोगों को बताया था हमें। तो फैन बेल्ट अपना भाई बन गया यार, बढ़िया जल्दी। ये सब चीज़ दोस्तों पता है रखने वाली चीज़ें, जो भी छोटी सामान जो भी चीज़ है ना, ये सब गाड़ी में जो छोटा छोटा सामान लगता है ये सब चीज़ रखने की चीज़ है। अभी जाके भाई फैन बेल्ट और 16 नंबर का पाना लूँगा। अगर भाई यही चीज़ अगर मेरे साथ कंडीशन ही अगर जंगल में हो जाती तो क्या करता, बताओ। पाना नहीं है मेरे पास, अभी रायपुर जाके भाई पाना उना लेंगे और एक फैन बेल्ट ले लेंगे, नया लगवा लेंगे, है ना। चलते हैं अभी, ठीक है, नहा धो लेते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी लग रही है यार। तो दोस्तों बिर्रा से पहले रुके हूँ भाई नहाने धोने के लिए। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मस्त सा भाई तालाब है, तो अभी यहाँ से दोस्तों नहा धो के भाई निकलेंगे आगे की ओर। तो अभी चलते हैं दोस्तों, नहा धो के आते हैं भाई फटाक से, ठीक है। तो दोस्तों नहा धो के भाई निकल चुके हैं और ये पहुँच चुके हैं दोस्तों बिर्रा चौंप। अभी यहाँ से अपना सूर्यनारायण बचा हुआ है भाई 20 किलोमीटर, चलते हैं भाई। बोर्ड पे देख सकते हो भाई क्या क्या लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लो खुद। तो दोस्तों पहुंचने वाले भाई अपन रायपुर, यहाँ से बचा हुआ है करीबन 60 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है दोस्तों रायपुर। कंटिन्यू चल रहे हैं भाई और आगे में ड्राइवर भाई अपने रुके हुए हैं, जो कल खाली किए थे ना वहाँ पे रायगढ़ में, वो रुके हुए हैं। और भाई साथ में आने का प्रोग्राम था, लेकिन भाई वो क्या कहते हैं लोडिंग करूँगा कह के आ गया, उसकी लोडिंग वोडिंग हुई नहीं है, तो इंतज़ार कर रहा है भाई खाना पीना बनाएंगे ऐसे कह के। ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ ऐसे कह के बोला हूँ, तो अभी चलते हैं, उन्हीं का वेट कर रहे हैं वहाँ पर, फिर खाना पीना बना खा पी के भाई मैं भी निकलूँगा खाली करने के लिए, और वो भी भाई अपना क्या कहते हैं जाएंगे ट्रांसपोर्ट नगर। चलते हैं क्या सीन होता है देखते हैं आगे का, है ना। तो दोस्तों रायपुर पहुंच चुके हैं भाई विधानसभा, तो पीछे अपने एम्बुलेंस गाड़ी लग गई है, तो उसको जाने देते हैं पहले आगे। जा भैया तू आगे जा,
एकदम सटाते हुए लेके जा रहे हैं, मरीज पड़ा हुआ है ना उसमें, इसके वजह से। तो ये दोस्तों विधानसभा हमारे छत्तीसगढ़ मतलब रायपुर का। तो यहीं पे ही आगे में रुके हुए हैं वो भी। रायपुर शहर दोस्तों इसी से अंदर घुस जाते हैं सीधा, देख सकते हो ये सीधा रायपुर शहर ले जाएगा। तो हमारी गाड़ी इधर ही अंदर में खाली होगी, तो नो एंट्री खुलने के बाद ही जाएंगे हम, है ना। देखते क्या सिस्टम होता है, कितने बजे तक भाई खुलेगी फिर निकलेंगे। तो यहीं पे रुकना पड़ेगा अभी तो ऐसे। दोस्तों भाई गाड़ी के पास भाई पहुंच चुके हैं। ये लगी भाई अपनी कंपनी की गाड़ी, जो पीताम्बर भाई गाड़ी चलाते थे ना वही वाली गाड़ी है ये। तो अभी इसको मोहन भैया गाड़ी चला रहे हैं। राम राम जी। तो कैसे माल उल मिला नहीं क्या, बैठे हो यहाँ पे? लोड है ना? लोड है, पता है दोस्तों, छोड़ के आ गए थे और अभी यहाँ पर बैठे हुए चुपचाप आगे, पता है माल उल तो मिला नहीं इनको इसके वजह से। तो खाना पीना कैसे करेंगे? खाना पीना बनाएंगे ना? बनाएंगे यार, यहीं से जाना है मेरे को अंदर। कहाँ से? गायत्री नगर जाना है, गायत्री नगर। आगे से ये वाला यहाँ से। तो अपनी गाड़ी भाई छोड़ के अभी जा रहे भाई सब्जी उब्जी लेने के लिए धनेरी नाला, जो कि हमारे उस्ताद जी गाड़ी चला रहे हैं। इधर गाड़ी को पेट्रोल टैंकी पे छोड़ दिया दोस्तों। सब्जी उब्जी लेके आते हैं भाई, क्या सब्जी बनाएंगे कुछ पता नहीं चल पा रहा, लेकिन देखते हैं। और अपनी गाड़ी भाई इधर जाएगी सिटी में, देखो इधर शंकर नगर। ये ओवर ब्रिज बनवाए लगी लगा था हमारे स्पेस का ध्यान ही नहीं देते ओवर ब्रिज में यार। तो दोस्तों अभी रुके हैं भाई खाना पीना बनाने के लिए, सब्जी उब्जी लेके आ चुके हैं, धनी नाला गए थे। और एक ट्रक ड्राइवर की दोस्तों जिंदगी देख लो भाई किस तरह की है। ये है भाई दोस्तों रोड पूरा, है ना, और रोड के बगल में देख सकते हो भाई खाना बना रहे हैं हम लोग। ये देखो दोस्तों हम लोगों की लाइफ यही है दोस्तों, ठीक है। ये देखो तो यहाँ पर आज हमारा भाई पालक की सब्जी बनेगी। तो अभी चलते दोस्तों पानी भर के आते हैं अपन पहले, ठीक है। तो दोस्तों चावल बनने के लिए भाई रख दिए यहाँ पर, ये देखो। और इधर कट रहा है भाई पालक, और शिमला मिर्च भी डालोगे ना? तो शिमला मिर्च डाल के बनाएंगे भाई, और आलू भी डल रहा है। ये लो, मिक्स वेज चलेगा। मैं तो भाई फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ सच में, मतलब शिमला मिर्ची के साथ में। आलू के साथ में पालक तो खा लिया हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो कट रहा है दोस्तों अभी, ये देखो पालक। तो दोस्तों अपना भाई चावल यहाँ पर रेडी हो गया, ये देखो। और यहाँ पर है भाई ये सब्जी, जो कि टमाटर डाल दिए और नमक डाल दिए और सब मिक्स करके भाई इसको रख दिए हैं मस्त, पहले ये पिघल जाए बढ़िया, उसके बाद में भाई इसको फ्राई करेंगे। तो ढक दे रहे हैं अभी, और इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने प्याज लहसुन मिर्ची काट के रखा हुआ है। तो अभी पिघलने देते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर। अरे देखो रोड के बगल में भाई आराम से एंजॉय करते हुए बना रहे हैं भाई खाना। तो दोस्तों ये बन के रेडी हो चुका है भाई, तो अभी फ्राई करने के लिए अपन डालते हैं इसमें, और तेल इधर गर्म हो चुका है भाई। जीरा तो है नहीं दोस्तों अपने पास भाई, भूल गए जीरा लेना। प्रोग्राम हमारा दोस्तों सेव भाजी और रोटी का था भाई, लेकिन बना कुछ और रहे हैं, क्या करें, सेव मिली नहीं ना मेन बात, इसके वजह से भाई ये वाला सब्जी बना रहे हैं हरा भरा। ठीक है दोस्तों बना लेते फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों खाना बन के भाई रेडी हो गया अपना, तो अभी निकालने जा रहे हैं, और इधर सलाद कट रहा है भाई। टमाटर भाई 150 रुपये किलो हो चुका है, और नींबू सस्ता हो चुका है, 10 रुपये का 4 ठो नींबू हो गया है।
है ना। तो ये निकल गया दोस्तों खाना, नींबू निचोड़ देते हैं भाई। नवाकुआ एरा ना, इसमें एरा एरा हरी सब्जी बहुत दिन के बाद खा रहे दोस्तों। नमक ठीक है? ठीक है, सब ठीक है। करो करो करो, खाओ भाई। ठीक है ना, नमक उमक ठीक है दोस्तों। खाना वाना खा लेते हैं भाई, और सुबह यहाँ से निकलेंगे 4 बजे, नहीं तो 3 बजे निकलेंगे यहाँ से। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर के आसपास है, तो भाई सुबह सुबह निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, खैर नाइट में भी खाली हो जाता है, बात ऐसी है ना कि नाइट में खाली नहीं कर रहे। खाना वाना खा लेते फिर बात करते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों खाना वाना तो हो गया भाई, बर्तन वर्तन भी धो धा के पूरा समेट के भाई रख दिए हैं, और रात के करीबन बज चुके हैं भाई 10। तो यहीं पे ही दोस्तों आराम वराम करेंगे, और सुबह यहाँ से 3 बजे नहीं तो 4 बजे निकलेंगे। खैर यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर है ना, और देखते हैं भाई कल क्या होता है। भाई कल अगर नो एंट्री से निकल गए तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई सुबह सुबह कल खाली करेंगे लोग। अब देखते हैं क्या है, निकलवा दूंगा बोल रहा है तो अच्छी बात है भाई, निकलवा देगा तो अच्छी बात है ना, फिर गाड़ी का काम वाम भी करवा लेंगे ऐसे में। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा।